आदाब, मैं आप सबका दोस्त खिजर अहमद आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज आप सबके सामने आने की वजह है मध्य प्रदेश में एक किस्सा हुआ। छतरपुर में हाजी शहजाद नाम के एक आदमी का घर तोड़ दिया गया। बहुत बड़ा घर, महल के जैसा घर था, और उनकी उनका क्या गुनाह है, उन्होंने जाके पुलिस कंप्लेंट करे इसलिए उनका घर तोड़ दिया गया। ये चल रहा आजकल देश में, तो इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश में एक ढोंगी बाबा, चोर बाबा हैं जो रहते ना, जो अंदर पीते करते बलात्कार करते सब करते, वैसे कुछ बहुत सारे बाबा हैं अपने देश में वैसे। तो वो एक बाबा था, उन्हें कुछ नबी के खिलाफ कुछ बात करा तो उसके खिलाफ वहाँ के बहुत सारे मुसलमान जाके जो है कंप्लेंट करे, वहाँ पे कंप्लेंट कर रहे, वो उसके बारे में जमा हुए, पुलिस कंप्लेंट लिख ले रही, सब सही चल रहा है। एकदम फतराव होना शुरू हो गया उधर पुलिस स्टेशन पे। ये कैसा हुआ इसमें कोई शक नहीं, ये इन लोगों की कराइसो है, बीच के लोग, ना कोई मुसलमान फतराव करा, ना उन लोगों की ग्रुप में से कोई करा, कोई बाहर के लोग आके ये फतराव चालू करे, ये 100% आगे पता चलता। मगर पुलिस उस पर जांच नहीं करेंगी, ये कर देगी नहीं इन लोग ही करे बोल के, बस उन लोग को एक मौका मिल गया। जैसे ही फतराव रुका, आगे की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं, सीधा बुलडोजर ले लेके गए, हाजी शहजाद के घर पे गए और उसका घर तोड़ दिए, उनके सामने रखे हुए गाड़ियां तोड़ दिए। ये सब कानून कर रहा वहां का। उनका MP तो जाहिल है, वो उन्हें पहले ही बोला था मैं मुसलमानों के खिलाफ करूंगा जो भी करूंगा, बल्कि पहले ही बोल दिया था उन्हें। तो वैसे बेशरम लोग आजकल CM बन रहे। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये दुश्मनी बढ़ाने के पीछे सब में बड़ा जिसका हाथ है वो उन लोग हैदराबाद में ही बैठे हुए। पहले से ये सब चल लेते हुए आ रहा था, मगर दुश्मनी एक बड़ी करे, बहुत सामने अकड़ अकड़ के आए, आके जो है ऐसे ऐसे बातें कर दी है, राम की माँ कहाँ रहती है, वो रहती है, ऐसे ऐसे बातें कर करके जो है इतनी बड़ी दुश्मनियां कर दी है, और अब कुछ भी नहीं बोल रहे। सब में पहले इनको भेजना वहां पे, और भूख हड़ताल पे उनका घर जब तक नहीं बनता, अहमद हाजी शहजाद का, जब तक वहां पे भूख हड़ताल पे भेजना लोगों को, समझ रहे। ये तरीके की पहले तो अंगार लगा दिया और अब खामोश बैठ गए। एक मुसलमान के साथ भी कुछ जुल्म हुआ तो सबसे पहले भूख हड़ताल पे इनको बिठाने लगाना वहां पे भेज के, ये तुम लोगों की शुरुआत है जो दुश्मनी को इतनी बढ़ाए सो। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसे हालात हो रहे, कानून तो बिल्कुल, अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है गया गुजरा हो गया बोले जैसी बात है, समझो सुप्रीम कोर्ट भी जो है वहां पे फैसला जो आ रहा वो सुना रहे बोले जैसा दिख रहा, हर चीज मैक्सिमम, समझ रहे ना, ये हाल हो गया। अब वो घुमा फिरा के एक चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ है, उन्होंने जो है वो उनके ऐसा वैसा फैसले थोड़े बहुत सुना देते हैं उन्होंने, फिर भी ऐसे तो कोई खास दूसरे कोई फैसले जो है, चाहे वो EVM का रहें दो या कौन सा भी दूसरा रहें दो, कोई खास ऐसा सही फैसला सुनाए बोले जैसा नहीं दिखता हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहें दो, हाई कोर्ट रहें दो, कौन सा भी, वो कौन से तो भी कोई सुना रहे। आजकल घुमा फिरा के यहाँ वहाँ से सरपंच की, सरपंच के जो होते हैं उसमें हो रहे होंगे सही फैसले, मेरे को ऐसा दिख रहा, समझ रहे। वहाँ पे चार जने बैठ के जो है बगैर सुबुद्ध सीधा सीधा बात करते वो तरीके के। और एक चीज, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है और वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स है जो चंद्रबाबू नायडू को जिताए, उन लोग पूरे पहले धरने पे बैठ जाओ, इसकी इसका ये हाथ है सबसे बड़ा करने का चंद्रबाबू नायडू का, वहाँ पे या तो रीएलेक्शन कराने लगाओ या फिर जो है वहाँ पे धरने पे बैठ के जो है उसको जो है ये अलायंस हटाओ बोलो, इसकी वजह है जो इन लोगों की इतनी हिम्मत मिल रही। और सेम ऐसी हरकत बिहार में भी होना, बिहार में ये मुसलमान एक भारी तादाद में नीतीश कुमार को जिताए वहां पे, और जीतने के बाद ये हरकत कर रहे दोनों भी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, मुसलमानों को धोखा देके उन लोगों के वोट आ लेके जीत के उन लोगों से वादा करके हल्लू जो है यहाँ पे बेमानी कर रही, भारी तादाद में मुसलमानों से वोट लिए, उन लोगों को झूठे वादे करके आ रहे हमला मदद करते, वो ये क्या क्या वो बोले, समझ रहे ना। और जैसे ही इन लोग जीते, जीतने के बाद जो है BJP से अलायंस कर रहे, और BJP जो आज एक एक हरकत कर रही, जो कोई भी चाहे वो दलित या गरीब या मुसलमान जो भी परेशान है उसके पीछे इन लोगों का हाथ है बोले ऐसा। वैसे कानून में नहीं, अगर कानून में रहता था कोई गलत दिख रहा तो अपन उसको सजा दे सकते बोले, तो इन कहीं पे भी दिखे तो उनको जूते फेंक के मारना शुरू करना था असल, मगर क्योंकि वो कानून में नहीं आता वो हिसाब से अपन नहीं कर सकते, कानून को हाथ में नहीं ले सकते, ये दिखाने का है। वहाँ की जनता पहली फुर्सत में जो है आंध्र प्रदेश की और बिहार की जनता जो है या तो धरने पर बैठ जाना इन लोगों को अलायंस तोड़ो बोल के, या फिर जो है रीइलेक्शन कराने के वास्ते धरने पर बैठ जाना वहाँ पे, अब भी रीइलेक्शन कराओ बोल के, और इन लोगों को लात मार के भगाना, ये दोनों भी लायक नहीं है इन लोगों CM के बनने के लायक या कोई लीडर बनने के लायक नहीं है, इन लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है,
इतना सब होते हुए भी अगर देख रहे बोले तो ये बहुत गए गुजरे जानवर, जानवर का भी कोई नाम ले सकते, वो हाल है इन लोगों का। और एक एक बात, कांग्रेस इन लोग ये सोच रहे अगर हम लोग को मुसलमान की पार्टी बोलकर बदनाम कर रहे, इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते मुसलमान को, मुसलमान की तरफदारी में करे तो और ज्यादा इन लोग वो करते इशू बनता बोल के, वो चक्कर में तुम लोग मुसलमानों को परेशान होने देते। राहुल गांधी या जो भी कांग्रेस के लीडर है, पूरों को एक बात, तुम लोग की जो ये 100 सीट आई या ये जीते ना जीते भी, उसमें बहुत बड़ा हाथ मुसलमानों का है, दलितों का है, सिखों का है, भारी तादाद में इन लोग तुम्हारे को ये सोच के जीता है हमारे को साथ देंगे बोल के, और तुम लोग जो है अरे हम लोग मुसलमानों को बोले तो, हम लोग सिखों को बोले तो, हम लोग दलितों को बोले तो हमारे को ये ऊपर बड़े वोट आने आते बोल के, वो चक्कर में तुम लोग दूसरों को परेशान होने दे रहे। राहुल गांधी सबसे पहले ये हरकत करना, ये बिल्कुल घटिया हरकत कर रहे राहुल गांधी, मैं इसके खिलाफ हूँ। राहुल गांधी जितने भी, मैं राहुल गांधी के तारीफ करा, मैं हर उनके काम के बारे में ये जगह पे बोल रहा हूँ, बहुत घटिया हरकत कर रहे राहुल गांधी। पहली फुर्सत में जो मुसलमानों के पे जुलम हो रहा उसके खिलाफ भी आवाज उठाना, खाली वो पार्लियामेंट में एक बार बोले, मैं देखा माइनॉरिटी के साथ बहुत जुलम हो रहा बोल के। और एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये कांग्रेस का सबसे जलील घटिया बिकावा इंसान है कमलनाथ, समझ रहे हो, उत्तर प्रदेश ये मध्य प्रदेश में जो है इसको ये मालूम है ही नहीं, ये रोक भी सकता था मगर नहीं, इसका सब इसका बराबर का हाथ है, और इन्हें रह के वहां पे क्या फायदा। कांग्रेस को मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अपन एक घर की हिफाजत के वास्ते कुत्ता लाके पाल लिए, और वो कुत्ता किसी को कुछ नहीं रोक रहा, चोर आ रहा तो आने दे रहा, कोई दूसरे जानवर आ रहे तो आने दे रहा, कोई भी आ रहे तो आने दे रहा, उन्हें खामोश अपनी जगह पे बैठा, तो ये ऐसे कुत्ते का क्या फायदा, समझ रहे ना। इसको सब में पहले निकाल के जो है कहीं तो भी छोड़ देना, फेंक देना कहीं तो भी, समझ रहे, वो हाल है कमलनाथ का। उन्हें तुम्हारे को वहां पे रह के मैं हूं, मैं यहाँ की हिफाजत करता हूँ, बल्कि जो है पूरे तुम्हारे को हराते जा रहा वहां पे। अगर कमलनाथ के लगा किसको तो भी एक नए बच्चे को भी वहां पे जो है वहां का बना देते थे सीएम कैंडिडेट, उन्हें मेहनत करके जो है तुम्हारे वहां पे कांग्रेस की सरकार बनाता था उन्हें, इसमें कोई शक ही नहीं था। वहां पे कांग्रेस की सरकार आसानी से बन रही, पूरे पैसे खा के अडानी का आदमी है, इन लोगों को बिक के जो है पूरे सब कितने कितने पैसे लिया कि ये भी से पूरा ये बेमानी का रसो। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जितने भी माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी है या दलित है, सिख है, ईसाई है, इन लोग ये सोच रहे कि जो है ये होता 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 कुछ नहीं, अपन अपन सड़क पे उतरना, धरना करना, भूख हड़ताल करना, कुछ तो भी करके अपन ही करना पड़ेगा, ये कुछ नहीं होता, और कानून करता हूँ, कानून का ऑर्डर आता 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 बोल के, कोई कानून के भी कोई खास वैसे फैसले नहीं रह रहे, पूरे 90% उल्टे फैसले बोले जैसा दिख रहे, समझ रहे ना, चाहे वो ईवीएम का रहे तो कोसा भी रहे तो, सोप सबूत रहने के बाद भी ऑपोजिट रह रहे फैसले, कोई खास वैसा वो आ रहे बोले जैसा नहीं दिख रहा, वो क्या वजह से आ रहे वो मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अरे वैसा अब जनता कुछ कुछ ना कुछ करना पड़ता। और खास करके मैं मुस्लिम माइनॉरिटी के वास्ते बोलना चाह रहा हूँ, मुस्लिम माइनॉरिटी को आप अपन लोग सड़क पे उतरना, भूख हड़ताल करना, प्रोटेस्ट करना, कुछ ना कुछ करके जो है करना, सबर से करेंगे, आता हूँ फैसला आता नहीं, अब उतरना रोड पे और मांग रखना, भूख हड़ताल करना, कुछ तो भी करना। और एक बात सब में मेन चीज ये है कि जितने भी मुस्लिम के बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम वेलफेयर बोर्ड, ये पूरे बिग गैसो है, इन लोग पैसे खा गए अपने अपने औलादों को, अपने बच्चों को, वो ये बेटियों के शादियां कर ले रहे, बेटों के शादियां कर ले रहे, अमेरिका में भेज ले रहे, सब बिग गैसो है इन लोग। एक भी बोर्ड वो बोल के नहीं, जितने भी देवबंदी बोर्ड वो ये जितने भी उलमाया बड़े बड़े हैं पूरे बिग गए हैं इन लोग, 100% इसके वास्ते खामोश है, नहीं तो एक एक आवाज इन लोगों की काफी है ये चीजों को रोकने। इंडिया में जो मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग और जो ऐसे ज्यादतियां हो रही, एक आवाज काफी है इन लोगों की। इन लोगों को इंटरनेशनल लेवल का पावर रहता, इंटरनेशनल लेवल का पावर योगी को है नहीं है, योगी को नहीं रहता ना किसी के बाप को रहता मालूम, ये ऐसा इंटरनेशनल लेवल का पावर जो है बड़े ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को है, मुस्लिम जितने भी ज्यादातर बड़े बड़े बोर्ड है उन लोगों को है, मगर एक एक आवाज नहीं कर रहे उन लोग। ऐसे दोस्तों माफी चाहता हूँ, मैं जोश में आ गया, उसकी वजह क्या है बोले तो, एक आदमी मेहनत से अपना घर बनाता रहने के वास्ते, एक एक पाई पाई तोड़ के वो कैसा भी करके वो अपना खान एक घर बनाता, उसका तोड़ दिया तो उसके दिल पे क्या बीतती वो अपन नहीं इमेजिन कर सकते ना, अपन सोच सकते क्या उसको वो हो रहा होगा, कितनी तकलीफ हो रही होंगी, समझ रहे ना। ये चीज वो एक आदमी का घर तोड़ दिए वो तो मालूम है बड़ा घर, कितने जनों के वैसे घर तोड़े होंगे, कितने जनों को जेलों में डाले होंगे, कितने जनों को ऐसा ऐसा कर रहे होंगे, कितने जनों की मॉब लिंचिंग भी कर दिए होंगे, इनकाउंटर भी कर दिए होंगे कई जनों का, नहीं बोल सकते, समझ रहे। जब एक नौजवान बेटा खो देती अपनी माँ या फिर अपना शौहर या उसका बाप, तो कितना तकलीफ होता वो अपन लोग नहीं समझ सकते। वैसा कई लोगों के साथ इंडिया में जुल्म हो रहा, डेली हो रहे, बलात्कार हो रहे, मर्डर हो रहे, कई चीज़ें हो रहे, मगर सब खामोश बैठे। अब वो देख के मैं ज़रा जोश में आ गया, हालांकि बहुत सारे लोग मेरे को लिखे हैं सारे आप एकदम जोश में आ गया ऐसा रफली बोल देते हैं,
देखो एक चीज मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अगर आप कोई ऐसा देख रहे और आपको जो है आप गुस्सा आ रहा, गुस्सा मतलब ये नहीं कि आप हथियार उठा ले रहे बोले जैसा, अगर आप हथियार उठा ले रहे बोले तो उसका मतलब आप जाहिल है बोले जैसा, नहीं मगर आपको बुरा दिख रहा गुस्सा आ रहा बोले तो समझना आप में अभी इंसानियत है बोले जैसा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्हें जो है ऐसा हथियार उठा के उन्हें जहालत करा तो अपन जाहिल बन जाओ, जाहिल नहीं मगर वो गलत दिख रहा गुस्सा आना अपने को। और ये आ रहा है, ये हुआ एक बच्ची के साथ रेप हो गया, अच्छा बोल ऐसा खामोश बैठ जा रहे तो खत्म तुम्हारी इंसानियत मर गई, वो रेप अगर तुम्हारी बच्ची के साथ भी हुआ तो कुछ भी तुम्हारे को असर होने वाला नहीं है बोले जैसा। ये हाल ठीक है दोस्तों, यही बोलना चाह रहा था आज। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं जरा टेंशन में हूँ, मैं बहुत अफसोस में हूँ उस चीज़ के बारे में। ठीक है फिर बाद में आदा।